वर्तमान में सियासत का भी अंदाज कुछ इस तरह ही है, आगे जा रहे हैं लोग पीछे आ रहे हैं। नहीं, 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 देखो सियासत में कभी कोई पीछे नहीं जाता, सियासत में सदैव जैसे क्रिकेट में कहा जाता है फ्रंट फुट पे ही बैटिंग होनी चाहिए। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि जो सदैव हम लोगों की मुलाकात होती है आपके, ग्वालियर के लिए कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ हमारा ग्वालियर बदलता, ग्वालियर नया ग्वालियर, इसी उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। और आज भी हमारे दोनों सड़कों का, एक का लोकार्पण सड़क का, शनिश्चरा सड़क का भूमि पूजन, मुरार अस्पताल का 22 करोड़ रुपए का उन्नयनीकरण, थीम रोड जो बहुचर्चित थी अब बहुत दिनों बाद पूर्ण रूप धारण कर चुकी है, 27 करोड़ रुपए का थीम रोड, तानसेन जी का द्वार डबरा झांसी सड़क पर 2 करोड़ का, अनेक दूसरे सड़कों का शिलान्यास, सारी सौगातें ग्वालियर के लिए करीब करीब 80 करोड़ रुपए की सौगातें आज दी जा रही है। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कृतज्ञ हूं कि निरंतर ग्वालियर के विकास और प्रगति में नए नए स्तंभ स्थापित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो निर्देश हर कार्यकर्ता को दिया जाएगा उस निर्देश का पालन करना हर कार्यकर्ता का दायित्व तो नहीं, मैं मानता हूं धर्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहे, स्वागत है उनका। और कांग्रेस की जो विदाई है वो भी जनता तय करेगी। प्रधानमंत्री जी आ रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे का दौरा 2 तारीख को सुनिश्चित है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का दिवस है और वे जब ग्वालियर आ रहे हैं तो लाखों लोगों के लिए सौगात अपने साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश के 2 लाख बेघर लोगों को आवास देने की योजना की शुरुआत अपने करकमलों से करेंगे और यही भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा है, सेवा की, सुशासन की और गरीब कल्याण की। प्रदेश और राष्ट्र की डबल इंजन की सरकार की योजनाओं के तहत जहां एक तरफ 44 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर मध्य प्रदेश में बने हैं, जहां दूसरे तरफ लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 86 लाख हमारी बच्चियों को एक सुखद भविष्य का निर्माण हुआ है, लाडली बहना योजना के तहत 1 करोड़ 31 लाख बहनाओं को 1,250 रुपए हर माह उनके खाते पे पहुंचाया जा रहा है, 450 रुपए गैस का सिलेंडर 2 करोड़ महिलाओं को, उज्ज्वला एवं लाडली बहना को जोड़कर उनको दिया जा रहा है, जहां उज्ज्वला योजना के तहत 82 लाख हमारी महिलाओं को गैस का कनेक्शन दिया जा रहा है। निरंतर ये विकास और प्रगति की योजना है। नारी शक्ति का अभिमान बढ़ाने के लिए 33% महिला आरक्षण अधिनियम लोकसभा एवं राज्यसभा में पूर्ण बहुमत के साथ पारित किया। ये लोकहित की सरकार है, ये भारत के उज्जवल भविष्य की सरकार है और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले समय में जनता का भरपूर आशीर्वाद
भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के साथ ही रहेगा। यशोधरा जी इलेक्शन नहीं लड़ रही है, पार्टी को लिख मैंने कहा है ये निर्णय पूर्ण रूप से पार्टी लेगी, हम सब कार्यकर्ता हैं और पार्टी ही हमारे लिए निर्णय लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद।